क्या व्यू है, पिंक पिंक अमेजिंग। अभी सनराइज होएगा, मज़ेदार, एक नंबर का। थैंक यू बहुत बहुत भाई का। भाई ने मेरे को 3 गिफ्ट दिए, एक मेरे को दी बुक और एक मेरे को दी कैप और एक मेरे को दी भाई ने सॉक्स। क्या जगह है यार, क्या जगह है, कमाल, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कर्नाटका। वो घर कितने सेक्सी बने हुए हैं, झोपड़ी झोपड़ी सी। ये फायदा है लोकल बंदे का। अब ये मेरे को लेके जाएगा बिल्कुल रोज जंगल से, पर मैंने जाना था, अगर कोई ना जान पहचान का होता तो मैं जाता सीधा सीधा हाईवे से। ये कह रहा 2-3 रास्ते हैं, ये वाला सबसे अच्छा है। अब यहाँ पर रेंज रूंज सब चली जाएगी। ये है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी मैंने नाम पढ़ा, अभी हमने एंटर करा है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पर अभी पेट्रोल डलवाया मैंने, लगा लो मैं 5 मिनट खड़ा हुआ था बस, और इतनी ह्यूमिडिटी है ना, भीग गया मैं पसीने में। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये है कुछ मेरा हॉस्टल ये है, और ये कुछ है बढ़िया लोकेशन पे, और ये ना कंटेनर से बना रखा है, मतलब पूरा ऐसा पक्का नहीं है, एक कंटेनर है जो अपने ट्रकिंग ट्रक के लिए कंटेनर यूज़ होते हैं उनसे ही बेड्स बना रखे हैं। बड़ा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूरा ऐसा लग्जरी होटल वाली फील आ रही है। और सामने भी हॉस्टल, ये दोनों हॉस्टल हैं, बाकी सब होटल हैं, ये दो ही हॉस्टल हैं यहाँ। और बाइक अपनी रेडी है, और अभी टाइम हो गया है, पूरे 6 बज गए हैं। तो अभी मैं बता देता हूँ सीन क्या है। तो अभी क्या है ना, अभी सीन ये है कि अभी चल रहे हैं गोवा, लेकिन रास्ते में ना मेरे को पीयूष आएगा लेने। पीयूष आएगा आई थिंक 200 किलोमीटर पहले वो मेरे को लेने आएगा। तो अभी यहाँ से लगेंगे, जहाँ पे उसने मेरे को लोकेशन भेज दी, 8 घंटे लगेंगे यहाँ से। तो इसलिए इतनी सुबह मेरे को निकलना पड़ रहा है, वरना मैं तो सोच रहा था कि आराम से निकलूँगा, बट कोई नहीं, वो कह रहा कि साथ में लंच करके साथ में गोवा चलेंगे। तो अभी जल्दी से निकलते हैं, इससे पहले लेट हो जाएं। चलो जी, गो गोवा गोन। यार पानी की बोटल्स नहीं भरी मैंने, है ना, एक में होगा शायद। हाँ है, इनफ है, इनफ इनफ है। कौन जाएगा ऊपर भरने, बस इनकी यही थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी यार इन्होंने क्या बना रखा है मज़ेदार, सिर्फ ये टीन से और कंटेनर से ही पूरा हॉस्टल बना दिया। आज की अपनी जर्नी शुरू करते हैं। गेट बंद कर देता हूँ, नहीं तो बेचारा सिक्योरिटी वाला तो सो रहा है आराम से। बाय, उठ गया उठ गया उठ गया। और क्या ही जगह है यार ये, क्या ही वाइब है। अभी रास्ते में एक भाई ने मिलना है, उससे मिलके डायरेक्ट नॉन स्टॉप चलेंगे गोवा NH 48। और यहाँ पे इस एरिया में इतने होटल, इतने रिजॉर्ट भर भर के, पूरे लोनावला में यही है। मुंबई वाले सारे इधर ही आते हैं, वीकेंड होता है, छुट्टी होती है, चलो जी उठाओ बैग, चलो लोनावला मस्ती करके आते हैं। ऐसी फील आ रही है जैसे मैं चंडीगढ़ में किसी सेक्टर में घूम रहा हूँ। वैसी वैसी सड़कें, खुली खुली, वैसे वैसे घर। हाल कैसा है जनाब का, क्या क्या आपका। पूरी ट्रिप में पहली बार मैं टाइम से निकला हूँ। अरे भैया ये कहाँ गलियों में से लेके जा रहा है मेरे को, सामने व्यू देखो आप, होए 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 होए। आज फाइनली अपनी लिस्ट में से एक नाम और इस पर टिक हो जाएगा, सबसे मेजर डेस्टिनेशन। ऑलमोस्ट अपनी साइड के, नॉर्थ साइड के, हरियाणा पंजाब उन सबका ड्रीम है गोवा, स्पेशली अपने व्हीकल पे
गाड़ी वालों के लिए अलग, लेकिन बाइक तो भाई साहब बाइक पे जाने वाले तो बहुत कम है। अभी रात है ना, इसलिए मैं आराम आराम से चला रहा हूँ। और मेरे को ये भी है कि वो जो भाई है जिसने मिलना है वो मेरे को देख ले, ऐसा ना हो कि मैं तेज स्पीड में हूँ। ये खड़ा भाई, ओ यहाँ तो बहुत सारे बाइकर है। क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, कैसे हो? सुबह सुबह मेरे लिए आए? आप स्लो ही चलाते हो? स्लो ही चलाता हूँ यार मैं। अकेले हो? हाँ अकेले। चलो ठीक है भाई, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ ले लो ले लो। ओके ओके। यहाँ पे हाँ, आप जब कातरा जब टर्न आएगा इंटरनल तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, स्पीड थोड़ा कम रखना। ठीक है, उधर 60 का कुछ लिमिट है। अच्छा, खत करके लिमिट आपको मैसेज आएगा फिर 60। हाँ ठीक है ठीक है ओके। वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, सिर्फ ध्यान रखो। ठीक है ओके भाई, थैंक यू बहुत बहुत भाई का। भाई ने मेरे को 3 गिफ्ट दिए, एक मेरे को दी बुक और एक मेरे को दी कैप और एक मेरे को दी भाई ने सॉक्स। और मेरे को थोड़ा रास्ता बताया और मेरे को ये भी बताया कि कैमरास वगैरह कहाँ पे हैं। अब मैंने गलती कर दी, मैंने ईयरबड लगाने भूल गया, ईयरबड लगा लेता हूँ मैं, क्योंकि अब मेरे को रुकना नहीं है, अब अपने को सीधा सीधा जाना है। ये है पुणे, पुणे का आउटर एरिया है, बाईपास। पुणे भी सही जगह है घूमने के लिए, लेकिन वही बात है कम से कम 2 दिन चाहिए, क्योंकि मैंने किसी से पूछा था तो वो बोल रहा था कि पुणे शहर में कुछ नहीं है, इसके आसपास बहुत कुछ है। 15-20 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारे फोर्ट हैं, काइंड ऑफ ऐसे ही, क्योंकि यहाँ भी वही लोनावला वाला हिसाब है। और मैं फिर से बता देता हूँ कि लोनावला में इस टाइम कुछ खास नहीं है, सिर्फ मानसून के टाइम पे ही जाने का है। वो जो अपने साइड के हैं ना उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमने मनाली देखा है, सब कुछ देखा है, तो उस वजह से लोनावला इतना खास नहीं लगता। हाँ बस ये है कि मुंबई के पास में है तो वो थोड़ा सा एक एक्साइटेड चीज़ है। अब चलेंगे कंटिन्यू और बिल्कुल बढ़िया टाइम पर पहुँच जाएंगे, जैसे ही पीयूष आएगा 1-1.30 बजे, फिर साथ में लंच करके गोवा। और मैं गोवा भी टाइम से पहुंच जाऊंगा, सबसे अच्छी बात होगी आज जल्दी उठने का, बहुत सारे फायदे हो गए। इस भाई ने रात को मेरे को रिप्लाई किया कि आपसे मिलना है, तो मैंने इसको भेज दी लोकेशन अपनी। मैं कहा भाई यहाँ पे हूँ, मैं स्टे कर रहा हूँ, तो आप आ जाओ। तो इन्होंने मेरे को बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ, तो मैं क्या कल सुबह फिर मैं जाऊँगा गोवा, रास्ते में मिल लेंगे। गिफ्ट भी लेके आया, थैंक यू, बहुत बहुत दिल से थैंक यू भाई को। अभी मैंने देखा नहीं वो कौन सी बुक है क्या है, जाके देखते हैं मेरे को समझ में भी आएगी कि नहीं आएगी। ये मुंबई, पुणे, लोनावला, ये तीनों ही बड़ी मस्त जगह पे हैं, हल्के हल्के पहाड़, मतलब वेदर के हिसाब से ना एक नंबर है तीनों ही। मुंबई तो चलो फिर भी गर्मी हो जाती होगी, लेकिन लोनावला और पुणे तो आप खुद देखो क्या ही जगह है, क्या ही मजा है यहाँ पे रहने में। और यह है NH 48। अब अपने को NH 48 नहीं छोड़ना, पीयूष ने स्पेशली मेंशन किया है कि आपने NH 48 से ही आना है। उसी ने मेरे को सारा मैप लिख के भेजा है, क्योंकि जो इसमें दिखा रहा था ना गोवा का वो कहीं और से दिखा रहा था, फिर उसने मेरे को एग्जैक्ट मैप भेजा। ये आ गई टनल। अभी मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसे अब आपको कोई भी किसी भी टाइप का यूट्यूब का शुरू करना है, मोटो व्लॉगिंग ही मान लो शुरू करनी है,
तो मेरे को ना शुरू शुरू में ये था, जैसे हम फ़ोन देखते हैं, यूट्यूब पे खोलते हैं, तो आपको हर दूसरी वीडियो ये दिखेगी मोटो व्लॉगिंग की, है ना। तो मेरे को भी ये था यार, दुनिया भर के मोटो व्लॉगर भरे पड़े, मेरे को कोई क्यों ही देखेगा। लेकिन रियलिटी क्या है, ये है सब मिथ। रियलिटी है कि आप एक बारी अपने घर से बाहर निकल के देखो कि कौन कौन कर रहा है, कौन कौन वीडियो बना रहा है, कौन कौन अच्छी वीडियो बना रहा है, कौन कौन कुछ अच्छा दिखा रहा है, कुछ सिखा रहा है आपको, तब आपको रियलिटी पता चलेगा। कोई भी नहीं मिलेगा आपको, कोई भी, लिटरली। बड़े शहरों में तो चलो है ही, दिल्ली, मुंबई, इन बड़े बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा मैं, छोटे शहरों में ना बहुत कम ही लोग ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत कम। मैं अपने शहर की बता रहा हूँ, मेरे शहर में शायद ही कोई होगा जो ब्लॉगिंग करता होगा। तो ये सोच के मत रुकना कि भरे पड़े हैं, कोई नहीं भरा पड़ा भाई, आसपास देखो। अब मैं हरियाणा से गोवा जा रहा हूँ, हरियाणा से गोवा में मेरे को एक भी बंदा नहीं मिला, सिर्फ दिल्ली अपना मुंबई छोड़ के और ये पुणे, ये दो सिटी छोड़ के अब मेरे को थोड़े बहुत मिले हैं जिन्होंने गोप्रो वगैरह गोप्रो लगा रखा था अपने हेलमेट पे, और ये सब लोकल थे। कोई भी मेरे को दूर का बंदा नहीं दिखा, कोई भी मेरे को हरियाणा का बंदा नहीं दिखा जाता हुआ गोवा, कोई भी मेरे को पंजाब का बंदा जाता नहीं दिखा, कोई भी उत्तराखंड का नहीं जाता हुआ दिखा, ऐसा कोई भी नहीं दिखा। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगाओ कि बहुत कम लोग मोटो व्लॉगिंग करते हैं या किसी भी टाइप की अच्छा कंटेंट देते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी लगा था, जैसे हम ऑब्वियसली बात है, हम फ़ोन देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, तो उस पर यही चलता है, और जब रियलिटी बाहर देखते हैं तो रियल में आपको बहुत कम लोग दिखेंगे एक्सप्लोर करते हुए। व्हाट ए लोकेशन, वाओ, अमेजिंग। और अभी तो मैं पानी के पास ही जा रहा हूँ, पानी ही पानी दिखेगा मेरे को, समंदर ही समंदर। मुंबई में मैं तो अच्छे से मैं नहीं कर पाया बीच पे आराम से बैठ के, क्योंकि बीच भी थोड़ा सा गंदा था और बहुत भीड़ थी। और एक चीज़ और बताऊँ, खतरनाक चीज़, तो मैं बीच पे घूम रहा था, तो मैं कहा चलो कुछ खाना तो मैंने था ही नहीं, क्योंकि खाने का तो मुझे भरोसा था ही नहीं, मैं कहा चलो कोल्ड कॉफ़ी पी लेते हैं। कोल्ड कॉफ़ी में तो क्या ही मिलावट होगी, दूध है और सिर्फ कॉफ़ी है, मीठा मैं खाता नहीं। तो मैंने उसको बोला भाई कोल्ड कॉफ़ी बना दे, चलो कोल्ड कॉफ़ी बनाने लगा, तो मुझे बोलता कि आप बैठ जाओ अभी लाए सर, मैं कहा कोई नहीं मैं बैठा हूँ तू बना। तो बनाने लगा, तो उसने दूध डाला और फिर उसने वो कहता आइसक्रीम डालने लगा, मैं कहा भाई ये क्या डाल रहा है, कहता आइसक्रीम, मैं कहा भाई आइसक्रीम मत डाल, तेरे को मैंने मना किया मीठा डालने के लिए। और फिर उसने एक ना एक वाइट वाइट सा था बोतल में, वाइट वाइट सा था और अंदर उसके नीचे था येलो येलो, पता नहीं क्या था, जैसे कोई तेल सा होता है, तो वो डालने लगा और डाल दिया उसने एक्चुअली। तो मैंने पूछा भाई ये क्या है, तो कहता सर कुछ नहीं दूध ही है, उसने ऐसे ऐसे हिलाया तो वो मिक्स हो गया। तो जब मैंने ढक्कन खोल के सूंघा ना, ओए होए 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 भाई साहब, इतनी गंदी स्मेल आई ना उसमें से, जैसे कोई ख़राब दूध होता है, जैसे दूध ख़राब हो जाता है उसमें से स्मेल नहीं आती पड़ी पड़ी बोतल के अंदर, वैसी वैसी स्मेल आ रही। ओह शिट मैन, मैंने तो कुछ नहीं पूछा ना, मैंने उसे कुछ कहा, मैं तो चला गया, फिर मैंने नहीं खाया कुछ भी, मैंने चुपचाप अपना ट्रेन पकड़ी, थोड़ा बहुत घूमा और सीधा घर आ गया, मैंने नहीं फिर खाने का रिस्क लिया बिल्कुल भी। और ट्रैवलिंग में तो मैं कभी भी नहीं खाता कुछ गंदमंद और हैवी, हल्का हल्का बस। अब पूरी चढ़ाई आ गई, पूरी चढ़ाई, ये वाली बस देखो कितनी पुरानी है, अपने वहाँ तो सब बंद कर दी और यहाँ सब चलता है, पुरानी पुरानी बाइक, पुरानी पुरानी गाड़ियाँ। मुंबई की तो बसें, मेरे ख्याल से सारी बसें ही पुरानी होंगी लगभग।
पहाड़ों के ऊपर से जाएंगे वहां से मजेदार मजेदार रास्ता। मेरे को पूरा दिन में ना जब मैं बाइक पे होता हूँ पूरा दिन में सबसे बेस्ट डे मेरा सबसे बेस्ट टाइम होता है जब मैं बाइक पे होता हूँ बस। फिर उसके बाद ये सामान उतारना सामान चढ़ाना इतना मज़ेदार नहीं होता। ये देखो भाई साहब जाम देखो जाम, एक आधा ट्रक खराब हो गया होगा उसकी वजह से सब पोपट पी 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 पो 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 पो। और ये अपनी बाइक चल गई है 2000 किलोमीटर घर से यहाँ तक। क्या मज़ेदार सुर लगा। यहाँ पे डलवा लेते हैं तेल। और अभी पता क्या है इस हाईवे पे स्पीड लिमिट है 70। बाइक की स्पेशली मेंशन कर रखी है तो ऑब्वियसली बात है कैमरे भी होंगे तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ आराम आराम से मस्ती करता हुआ। यहाँ भी उतना ही है 104.44। ये देखिए आप सुंदर सुंदर वादियाँ और एक नंबर रोड। क्या मस्त कॉफी थी और पीने में जो मजा आया ना सामने ये इतना सुंदर व्यू देख के और ये नारियल के पेड़ ओहो फाइनली नारियल के पेड़। अभी चलते हैं अभी यहाँ से बढ़िया मैंने रेस्ट कर लिया। ये ना आई थिंक सुबह बारिश हुई है और उस वजह से मौसम एक नंबर ठंडा ठंडा है परफेक्ट। बस अब यहाँ से 3 घंटे है टोटल तो 6-7 घंटे है लेकिन जहाँ पे हमें पीयूष मिलेगा वो 3 घंटे है। जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे। सुबह सुबह अच्छी कॉफ़ी मिल जाए ना बढ़िया भाई साहब पूरा दिन सेक्सी जाता है। मेरे को बहुत पसंद है कॉफ़ी। मैं दुनिया के अलग अलग कोनों से कॉफ़ी ढूंढता हूँ और फिर उन्हें घर लेके आता हूँ और फिर मज़े से पीता हूँ। और आज जो कॉफ़ी पीना मैंने लास्ट टाइम मैंने मैकडी में कॉफ़ी पी थी वो जो मुंबई के पास था वो थी बिल्कुल सिंपल लेकिन अब की बारी मैंने करवाई हेज़लनट वाली। ओए होए होए भाई साहब क्या मज़ा आया ना। एक तो कॉफ़ी का मज़ा और जो सामने जो व्यू था उसका मज़ा अलग। ओ ओ ओ ये हाईवे प्रॉपर ना बना नहीं है अभी थोड़ा थोड़ा इस पर काम चल रहा है लेकिन ठीक है बोरिंग नहीं लग रहा मेरे को। सीधा सीधा हो ना तो बोरिंग सा हो जाता है ये थोड़ा ठीक है। आदमी बोर नहीं होता नींद नहीं आती ऐसी ऐसी जगहों पे थोड़ा सा अलर्ट रहता है और बाइक में तो 100% अलर्ट चाहिए। अभी यहीं कहीं है पीयूष और ये ना जो NH 48 है ये पूरा लिटरली पूरा बन रहा है मुंबई से लेके पता नहीं कहाँ तक बन रहा है लेकिन पूरा बन रहा है ब्रांड न्यू। अगले 2-3 साल में तो बढ़िया बन जाएगा ये। अभी मुझे लगता नहीं वो आया है उसकी बाइक नहीं खड़ी वो रहा वो मेरे को देख नहीं रहा। पीयूष फाइनली कितने बजे पहुंचे
बस 10 मिनट हुआ, कॉल किया मैंने, मैं समझ गया था बाइक पे होगा। चलो भाई लेट्स गो टू गोवा, गोवा बेबी गोवा। अभी हमें कर्नाटका में, अभी हमें कर्नाटका में, और पीयूष स्पेशली मेरे को लेने आया गोवा से, 100 किलोमीटर है यहाँ से, ये लड़का मेरे को लेने आया है। कमाल है, इतना प्यार सहन नहीं होगा भाई साहब हमसे। अभी ये कह रहा है कि सिर्फ 20 किलोमीटर का हाईवे है, उसके बाद सारा जंगल जंगल में से जाना है, और वही रास्ता है गोवा का। मैं कहा चलो ये भी एक्सपीरियंस करते हैं हाईवे देख देख के। तो और इस रोड पे मेरे को कुछ ऐसा कुछ अलग सा कुछ दिखा भी नहीं, ये ऐसे ही चलाता है पैर लटका के। केरला नहीं है ये, कनाडा है, कनाडा पता नहीं क्या, कर्नाटका में एंटर कर गए, 5 स्टेट हो गए अपने, है ना, अभी गोवा में एंटर करेंगे। इसकी बाइक का एग्जॉस्ट कितना सेक्सी है, छोटा सा, अगर मेरी बाइक में लगता हुआ तो मैं उतार के लगा लूँगा इसको। ब्यूटीफुल कर्नाटका, वो घर कितने सेक्सी बने हुए हैं, झोपड़ी झोपड़ी सी। क्या है भाई साहब, लेक है, नदी है, क्या है, बहुत तगड़ी है जो भी है। यहाँ से लेफ्ट चलेंगे बलेगावी सिटी, पता नहीं कर्नाटका में क्या बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। अब सिंगल ही रोड है गोवा तक, बीच बीच में कह रहा था हाईवे आएगा। ये आ गया बेलगाम स्मार्ट सिटी, बेलगाम पार करके जाना है हमें गोवा। ये तो मेरे को पता नहीं था कर्नाटका भी आएगा, मेरे को ये था एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर गोवा। ये तो भाई साहब धप्पा हो गया धप्पा। ये फ़ायदा है लोकल बंदे का, अब ये मेरे को लेके जाएगा बिल्कुल रोज जंगल से, पर मैंने जाना था, अगर कोई ना जान पहचान का होता तो मैं जाता सीधा सीधा हाईवे से। ये कह रहा 2-3 रास्ते हैं, ये वाला सबसे अच्छा है, अब यहाँ पर रेंज रूंज सब चली जाएगी, ये पूरा जंगल में से होके गोवा पे जाएगा। तभी कहता हूँ लोकल बंदा ही बढ़िया से घुमा सकता है आपको, और अभी तो हम कर्नाटका में ही हैं। पत्थर पत्थर पत्थर, चोरला घाट, उसको देखते हुए मेरा बैलेंस बिगड़ गया, वो बड़ी राम राम से आ रहा है। क्या जगह है यार, शेर शार भी आते हैं क्या इधर, फोटो तो लगा रखी है, ड्राइव स्लो टाइगर की, और सांस लेने में जो मजा आ रहा है, हो प्योर ऑक्सीजन। अभी कहीं रोक के बढ़िया फोटो फोटो खींचते हैं बाइक की, तभी मजा है यहाँ पे। बेटे खतरनाक जंगल है, खतरनाक। ये तो मेरे को याद आ गई जैसे अपने कॉर्बेट पार्क वाली रोड है, सेम ऐसी, बिल्कुल रॉ। और एक बात और बताऊं, सबसे खतरनाक पार्ट, सबसे सस्ता पेट्रोल गोवा में ही है, 96। मैं सोच रहा था कि गोवा में सबसे महंगा है, ये तो मोजे हो गई मोजे, 105 से सीधा 96, 10 रुपये का फर्क हो गया, ऑलमोस्ट 9 रुपीज़।
मेरे को तो खैर कभी पूरी जिंदगी नहीं पता लगना था ये रास्ता जिस पे ये ले आया मेरे को। ये देखो यार कितनी सुंदर जगह है, और क्या ही चाहिए मेरे को। और आज मौसम भी ना बढ़िया है, मतलब धूप नहीं है तेज, मजे आ रहे हैं। यह है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी मैंने नाम पढ़ा, अभी हमने एंटर करा है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आ गया गोवा, लेकिन अभी पता क्या है, पीयूष रहता है साउथ गोवा में और साई रहता है नॉर्थ गोवा में, तो टोटल एक घंटे का डिफरेंस है। और अभी पेट्रोल डलवाया मैंने, लगा लो मैं 5 मिनट खड़ा हुआ था बस, और इतनी ह्यूमिडिटी है ना, भीग गया मैं पसीने में, इतनी गर्मी। अब गर्मी में रहना पड़ेगा भाई साहब बहुत सारे दिन, सर्दी छोड़ के गर्मी में रहना कितना है मुश्किल। लेकिन ये शाम को मौसम ठीक हो जाता है, बढ़िया ठंडा ठंडा ऐसा कहा गया है मेरे को। यहाँ आ गया साईं का घर। हेलो साईं भाई, कैसा है? ऑल गुड। बहुत बढ़िया लोकेशन पे घर है भाई तेरा। अच्छा, तो ये है साईं का रूम जहाँ अब मैं रुकने वाला हूँ अगले कुछ दिन, आई डोंट नो कितने दिन। ये रूम है, ये मतलब सही है, बढ़िया है, थोड़ा सा गंदा है तो इसको साफ सफाई कर देंगे, लड़के ऐसे ही रहते हैं। और ये है जो सुबह मेरे को पुणे मिला था भाई, उसने मेरे को ये 3 गिफ्ट दिए हैं। एक ये बुक है, हालांकि बुक्स तो मैं नहीं पढ़ता लेकिन बहुत अच्छी लग रही है, आई डोंट नो क्या है। ये सॉक्स है, ये मैं जरूर यूज़ करूँगा, और ये कैप है, कैप भी मैं जरूर यूज़ करूँगा। तो बहुत बहुत थैंक यू। और बाहर से मैं कुछ दिखा देता हूँ व्यू, अभी तो कुछ नहीं दिखेगा लेकिन भाई साहब चांद देखो, चांद अलग ही आज, ऑरेंज ऑरेंज मस्त। और ये है नॉर्थ गोवा, ठीक है, और 5th फ्लोर पे घर है इसका, नाइस, दोनों तरफ से बढ़िया व्यू है। तो बाय बाय टाटा टेक केयर, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी बहुत कुछ काम करना है, साफ सफाई करनी है और नहाना धोना है। तो बाय बाय टाटा, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको पसंद आया हो ये मेरे गोवा तक की जर्नी, अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना।